हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। आई एम प्रोफेसर दीपाली इंगड़े फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आवर टुडेज टॉपिक इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस सी विजन एंड मिशन ऑफ द कॉलेज। फर्स्ट विजन, एक्सलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर यूथ। नाउ मिशन, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. Now course outcomes: solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. Various methods का use करते हुए आप first order and first degree differential equation solve कर सकते हो. Now learning outcomes: after watching this video, you will be able to define homogeneous differential equation. आप homogeneous differential equation define कर सकते हो, उसकी condition भी बता सकते हो, and find the solution of homogeneous differential equation. Differential equation का आप solution भी find कर सकते हो. So let us start our today's class on homogeneous differential equation. So dear student, आज के lecture में हम homogeneous differential equation का और एक नया example पढ़ने वाले हैं, and लास्ट में आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं. सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक्स के पावर में 3 यानी एक्स की डिग्री 3, वाई की डिग्री 3, एंड यहाँ ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे वाई का पावर 1, सो 2+1 भी क्या आता है 3, यानी कि यहाँ जितनी भी 3 टर्म्स रहेंगी उसकी डिग्री कैसी है, सेम है, इक्वल है, तो इसीलिए ये क्या हो गई है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखते हैं हम, डी वाई बाय डी एक्स. अब देखिए सामने हमें और कुछ दिया हुआ है, यही तक हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है क्या, नहीं, सॉल्व, इसे सॉल्व करना है. एंड गिवन वाई इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट में जैसे हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, उस जनरल सॉल्यूशन में हम y एंड x की ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कांस्टेंट c की वैल्यू मिलेंगी, एंड लास्ट में फिर से वो c की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में हम पुट कर देंगे. और इस तरीके से हम इस एग्जांपल में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक. यानी अगर ये ऐसी कंडीशन गिवन रहेगी x एंड y की वैल्यू, तो याद रखिए हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर से. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई. सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई. ये टर्म को अब हमें हटाना है, तो ये टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मुझे ओनली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसे हटाना पड़ेगा, एंड ये पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है. इस साइड में आने के बाद कहाँ जाएंगी, डिवीजन में, यानी हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. यस, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई है. ध्यान से देखिए, इसके प्रीवियस जो हमने वीडियो देखा उसमें हमें इस फॉर्म में भी इक्वेशन लाकर दी थी, यहाँ पे है क्या वो, नहीं, तो बस हमें ट्रांसफ़र करना है. तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब याद करने की कोशिश करिए आप कि हम इक्वेशन 1 को हमने कैसे अलग वेरिएबल के फॉर्म में लिखा था. यस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, पुट वाई बाय एक्स इक्वल्स टू वी, यानी y की वैल्यू v इंटू एक्स. तो जहाँ भी y है वहाँ हम v इंटू एक्स लिखते हैं, एंड उसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है dy वाई बाई डी एक्स. तो इस तरीके से हम ये y एंड dy वाई बाई डी एक्स, ध्यान से सुनिए, y एंड dy वाई बाई डी एक्स, y एंड dy वाई बाई डी एक्स,
ये टर्म को हटाते हैं एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक पहुंचते हैं एंड देन लास्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सो पुट y by x equals to v, so therefore y की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से, y equals to x into v या फिर v into x। अब पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों ही साइड में d by dx लगाते हैं। सो d by dx of y equals to d by dx of v into x, ये डेरिवेटिव आप सभी को आता ही है। सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx, यहाँ पे अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि v भी वेरिएबल है एंड x भी अलग वेरिएबल है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव d by dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू d by dx एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो v इनटू, अब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 प्लस x एंड v का डेरिवेटिव dv by dx। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया है, dy by dx equals to v इनटू 1 क्या होता है, v। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आगे की स्टेप। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv by dx। इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इसे डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ हम लिखेंगे नाउ पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज क्या मिलता है, सो हम इक्वेशन 1 के ऊपर हाथ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy by dx, यस ये वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली है। तो चलिए रखते हैं यहाँ से v प्लस x dv by dx, यहाँ इक्वल का साइन। अब देखिए x square into y, लेकिन y की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने फाइंड की है vx, y equals to v into x, तो यहाँ पे v into x upon x cube प्लस y क्यूब, लेकिन y की वैल्यू क्या है, v इंटू x का क्यूब। सो यहाँ पे देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो x square इंटू x क्या होगा, x क्यूब, यस। सो ये हो गया x क्यूब इंटू v एंड नीचे x क्यूब प्लस यहाँ a इंटू b का क्यूब क्या होगा, a क्यूब इंटू b क्यूब, तो यहाँ v इंटू x है तो क्या हो जाएगा, v क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब कैंसिल करेंगे क्या हम x क्यूब, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है, प्लस, पहले ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ से हम x क्यूब कॉमन निकालेंगे। सो देयरफॉर x क्यूब इंटू v अपॉन x क्यूब कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 प्लस v क्यूब। अब देखिए ऊपर का x क्यूब नीचे के x क्यूब के साथ कैंसिल, सो अब हमारे पास कैसी टर्म रह गई है, सो देयरफॉर v प्लस x dv by dx इक्वल्स टू v अपॉन 1 प्लस v क्यूब। सो डियर स्टूडेंट यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करना है, सो सबसे पहले यहाँ भी v नज़र आ रहा है एंड यहाँ भी v, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो v है प्लस v, उस साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा वी ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, प्लस वी उस साइड में जाएगा तो माइनस वी। चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए, अब क्या करना है, अब हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता ही है, कैसे करना पड़ता है, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब यहाँ पे 3 स्टेप करनी है, 3 बार मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। सो अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टूडेंट मैंने वही स्टेप यहाँ फिर से लिखी हुई है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पे नीचे देखिए V के नीचे कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, 1, हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप एंड ये थर्ड स्टेप, 1 2 3 एंड हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस। चलिए ऐसा हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए वी इंटू 1 वी माइनस साइन वी इंटू 1 प्लस वी क्यूब अपॉन थर्ड मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस वी क्यूब इंटू 1 यानी 1 प्लस वी क्यूब। और सभी स्टूडेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही है, ये नंबर का पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर माइनस का साइन है इसलिए माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट वी, अब देखिए जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे बाहर है माइनस साइन, तो अंदर जब ये माइनस लेकर जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब दोनों ही प्लस हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस वी इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस वी। अब देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस वी इंटू वी क्यूब क्या हो जाएगा, वी टू द पावर 4, पावर की एडिशन होती है ना, एंड नीचे प्रेजेंट है 1 प्लस वी क्यूब। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे यह है प्लस वी, ये है माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, 0, प्लस वी माइनस वी 0, यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यू। तो इस तरीके से हम इस स्टेप तक पहुँचे हैं। और स्टूडेंट अब आप सोच रहे होंगे चलिए इसे ब्रेक करते हैं, तो याद रखिए आप यहाँ पे कि डिनोमिनेटर कभी भी ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक अगर हमें करना है तो कौन होगा, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में पूरी टर्म जैसी की वैसी ही रहती है, डिनोमिनेटर ब्रेक नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, यानी ये जो डी एक्स है इस साइड में लेकर आते हैं, ये एक्स जो नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन में है, कहा जाएगा डिवीजन में। और चलिए अब ट्रांसफर करते हैं, सो एक्स इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, एंड डी एक्स कहाँ पे है, डिवीजन में, इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। यस, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सो अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर जाते हैं। सो स्टूडेंट डी वी के साथ वी का फंक्शन होना चाहिए एंड डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो उल्टा नज़र आ रहा है, तो अब हम ट्रांसफ़र करते हैं। एक्स है मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड में जाएगा तो नीचे चला जाएगा डिवीजन में, एंड ये टर्म अगर हमें इस साइड में ट्रांसफ़र करनी है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, तो अब ऊपर वाली टर्म जाएंगी नीचे एंड नीचे वाली टर्म जाएंगी ऊपर। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन की टर्म जाती है डिवीजन में एंड डिवीजन की टर्म जाती है मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो ये ऐसी टर्म उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस वी क्यूब, 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर 4 ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे इंटू डी वी जहाँ है वहीं पे है, माइनस को मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है क्योंकि इतनी बड़ी टर्म के साथ माइनस रखोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए माइनस जहाँ है हम वहीं पे रखेंगे। सो माइनस डी एक्स जहाँ है वहीं पे है, एंड देखिए एक्स है मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड में चला जाएगा तो डिवीजन में। आपने ये कैसे किया है, हमने बड़ी ही आसान स्टेप है, मल्टीप्लिकेशन की टर्म डिवीजन में, देखिए मल्टीप्लिकेशन की टर्म यानी ऊपर वाली टर्म नीचे जाती है एंड नीचे वाली टर्म ऊपर। अब देखिए
डीवी के साथ वी का फंक्शन है एंड एक्स के साथ एक्स का फंक्शन है। अब ये हो गया है हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। लेकिन इंटीग्रेशन करने के पहले देखिए, अब तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में ब्रेक नहीं किया था क्योंकि हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ब्रेक कौन होता है? न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हम वैसा ही करेंगे, 1/v^4 प्लस v^3/v^4। तो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करने के पहले इसे हम ज़रा सिंपल फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो इसे हम ब्रेक करने वाले हैं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर यानी 1/v^4 प्लस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर यानी v^3/v^4 इंटू डी वी दोनों को ही मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल्स टू माइनस। अब ये x नीचे है तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x dx। यस, यहाँ तक सभी आसानी से पहुँच सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ है v^3 थ्री टाइम्स एंड यहाँ पे है v^4 यानी v×v×v×v। तो यहाँ से v कैंसिल हो सकते हैं, 3v कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा ओनली 1 एंड नीचे 1v रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो कैसी टर्म मिलेंगी हमें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा v³ कैंसिल हो गया इसके साथ, मैंने ओनली 4 कैंसिल किया है। क्यों? मतलब 3v यहाँ 3v के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया है, ओनली 1v। तो अब देखिए जो टर्म रिमेनिंग रह गई है वो क्या है, सो 1/v^4 जैसा है वैसा ही है, प्लस 1/v एज इट इज, ये ब्रैकेट में है dv इक्वल्स टू -1/x dx। देखिए अब हमने क्या कर लिया, इसे सेपरेट कर लिया है, क्योंकि जब तक हम ये सेपरेट नहीं करते ऐसे, इसे इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला हमें नहीं मिलता। तो इसीलिए इसे ये स्टेप करना ज़रूरी है। देखिए मैं स्टार कर रही हूँ, ये कैसी स्टेप है, ये स्टार स्टेप है। कौन सी? ये वाली, कि जब तक आप इसे ब्रेक नहीं करते ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो चलिए इसे अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग अभी कैंसिल होने के बाद, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम दोनों ही साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे अब हम लिखते हैं देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में इंटीग्रेशन लगाते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ ये पूरा ब्रैकेट 1/v^4 प्लस 1/v×dv इक्वल्स टू, माइनस साइन को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, 1/x dx इस तरीके से। अब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, यानी हम इसे अलग अलग करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ 1/v^4 dv, जब भी इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ होता है साथ में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए टर्म होती है, प्लस इंटीग्रल 1/v/dv इक्वल्स टू माइनस, एंड इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x। यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x एंड लास्ट में प्लस सी। सी यानी क्या है, सी यानी है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो याद करें स्टूडेंट, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं इंटीग्रेशन का, 1/v, 1/x, 1/y, 1/t ऐसा है। तो ये v के पावर में अगर 1 है यानी इस तरीके से 1/only x, 1/x, 1/x, तब हम क्या लिख सकते हैं, log x, log x, log x, log v या फिर log t। लेकिन 1 से अगर ज़्यादा का पावर आया तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो याद रखिए, बस आपके पास एक सिंपल तरीका है। अगर मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ v जो भी वेरिएबल है उसके पावर में 1 से अगर ज़्यादा टर्म रही तो उसे हम ऊपर लेकर जाएंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे। सो आपको ये याद रहेगा कि जब भी v का पावर 1 से ज़्यादा है यानी 2, 3, 4, 5, 6, तब हम क्या करेंगे,
ये जो टर्म है इसे ऊपर लेकर जाएंगे, एंड जैसे हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात याद रखनी है कि जब भी नीचे की टर्म वेरिएबल हम ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर जो टर्म है पावर में उसका साइन क्या होता है, चेंज, यानी प्लस अगर है तो माइनस हो जाएगा एंड माइनस अगर है तो प्लस। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन एंड ये वी टू द पावर प्लस फोर है, ये अगर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, वी टू द पावर माइनस फोर यस इंटू डी वी प्लस वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो वन बाय वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वी माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एन का काम कौन कर रहा है, माइनस फोर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वी टू द पावर माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन, ठीक है। सो इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स टू द पावर, तो यहाँ एक्स की जगह पे वेरिएबल कौन सा है, वी, सो वी टू द पावर एन प्लस वन, एन कौन है, माइनस फोर, सो माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन, बाकी की टर्म एज इट इज, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा लॉग वी, और ये जो माइनस लॉग एक्स है आप इस साइड में ट्रांसफर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी, ओके। अब इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस फोर प्लस वन क्या होगा, माइनस थ्री, सो वी टू द पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री प्लस लॉग वी प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी। अब जिस तरीके से आप इसे ऊपर ले गए थे तो साइन चेंज हुआ था, अब इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, तो इस टर्म को हम वापस फिर से नीचे ला सकते हैं, तो वी टू द पावर माइनस थ्री अगर नीचे आता है तो क्या हो जाएगा, वी टू द पावर प्लस थ्री, साइन चेंज, एंड ये जो माइनस का साइन है ये कहाँ पे डालना है हमें, ये बीच में, नीचे हम साइन रखते नहीं हैं माइनस का, तो यहाँ बीच में या फिर ऊपर लेकर जाएंगे, सो माइनस वन अपॉन, देखिए थ्री जहाँ है वहीं पे है, एंड वी टू द पावर माइनस थ्री नीचे आने के बाद वी टू द पावर प्लस थ्री, क्या किया हमने यहाँ पे, ये पावर है वी टू द पावर प्लस थ्री, ये माइनस साइन यहाँ पे लेकर चले गए, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नज़र नहीं आ रहा है, वन बाय थ्री तो अभी भी वन बाय थ्री है, वी टू द पावर माइनस थ्री नीचे आने के बाद वी टू द पावर प्लस थ्री। यहाँ इन दो टर्म में देखिए क्या हो रहा है, ये है लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पे, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, प्लस लॉग ऑफ ए इंटू बी यानी वी इंटू एक्स, वी एक्स, और लास्ट में इक्वल्स टू सी। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब क्या करना है, अब हमें वी की वैल्यू वापस करनी है, सो वी की वैल्यू क्या थी, तो हमने क्या पुट किया था, y by x equals to v, तो वापस वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, सो नाउ पुट y by x equals to v, ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है इसमें हम वापस वही वैल्यू रख देते हैं, y by x equals to v यानी v की जगह पे y by x, चलिए यहाँ पुट करते हैं, सो कैसी टर्म मिलेगी यहाँ पे, माइनस वन अपॉन थ्री, और देखिए वी, वी की जगह पे वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स, लेकिन यहाँ क्यूब प्रेजेंट है, सो क्यूब प्लस लॉग वी, वी की जगह पे वाई बाय एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू सी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी, हमने लॉग सी नहीं लिखा है, ओनली सी। चलिए तो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब देखिए क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ एक टर्म नज़र आ रही है कि ये x और x दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में टर्म है ये, तो ये x इस x के साथ क्या होता है, कैंसल। तो अब हम देखते हैं इसके बाद में इसे सिंप्लीफाई करना है, y का क्यूब x का क्यूब प्लस log ऑफ y इक्वल्स टू सी, यहाँ पे क्या है, ओनली
सी। सो अब हम यहाँ पे इसका क्यूब करते हैं, जो टर्म प्रीवियस स्टेप में थी वही यहाँ पे फिर से मैंने लिखी है। सो देखिए माइनस वन बाय थ्री, अब यहाँ पे ए बाय बी का क्यूब है तो कैसे लिखते हैं, ए का भी क्यूब अपॉन बी का भी क्यूब, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वाई का भी क्यूब मिलेगा अपॉन एक्स का भी क्यूब मिलेगा प्लस लॉग, देखिए एक्स एक्स गेट कैंसिल तो यहाँ पे रह गया लॉग वाई इक्वल्स टू सी इस तरीके से। अब ये जो टर्म है इसे ये न्यूमेरेटर और ये डिवाइड के बाद में देखिए ध्यान से ये कहाँ पे चला गया, नीचे मतलब ये डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर ध्यान से देखिए डिवीजन में ही, ये मैंने डार्क किया है क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरेटर है ये डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर। अब देखिए डिनोमिनेटर की जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो कहाँ चली जाती है, न्यूमेरेटर में ऊपर, तो यहाँ पे एक्स क्यूब कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री वाई क्यूब प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू सी। आप चाहे तो ये माइनस की टर्म है ये सेकेंड नंबर पे एंड प्लस की टर्म फर्स्ट नंबर पे भी लिख सकते हो, यानी कि लॉग ऑफ वाई साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड की टर्म इधर उधर कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू सी। तो डियर स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, लेकिन आपको याद है यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया था हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू। सो डियर स्टूडेंट अगर वो वैल्यू गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो हम क्या लिखते हैं, इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन एंड हमारा प्रॉब्लम एंड हो जाता, ठीक है। तो वैसे भी हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारा कौन सा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, एंड जो गिवन वैल्यू है वो हम यहाँ पे अब हम पुट करेंगे एंड कहाँ तक पहुँचेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन तक। सो इज द रिक्वायर जनरल सोल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। सो क्वेश्चन में क्या गिवन था, पुट y इक्वल्स टू वन एंड x इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर तो जनरल सोल्यूशन ये है तो अगर हमने इसे इक्वेशन नंबर फोर डिनोट कर दिया क्योंकि वन टू थ्री पहले ही किया हुआ है तो क्या करेंगे अब हम, सो पुट y इक्वल्स टू वन एंड x इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन फोर लिखिए या फिर इन जनरल सोल्यूशन, क्योंकि ये क्या है हमारा जनरल सोल्यूशन है ना, यह है हमारा जनरल सॉल्यूशन, मैं इसे बॉक्स में डालती हूँ, यह है हमारा जनरल सॉल्यूशन मतलब इसे हाईलाइट करती हूँ ऐसा मुझे कहना है यहाँ पे। सो पुट वाई इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर थ्री, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर थ्री इम्प्लाइज, यानी कि इक्वेशन थ्री इम्प्लाइज क्या मिलेगा अब हमें वो देखते हैं हम इक्वेशन थ्री में वैल्यू पुट करने के बाद। सो देयर फॉर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जहाँ भी वाई है वहाँ वन रखना है एंड जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ज़ीरो रखना है। सो देखिए मैंने दूसरा हाथ इक्वेशन फोर पे रखा हुआ है, ओके सो यहाँ पे मिलेगा हमें लॉग ऑफ वाई, वाई की वैल्यू वन, लॉग वन माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ज़ीरो, ज़ीरो क्यूब अपॉन थ्री इंटू वाई, वाई यानी वन क्यूब इक्वल्स टू सी, ओके। लेकिन सारे स्टूडेंट को पता है कि लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, बट लॉग वन की वैल्यू होती है ज़ीरो, बट लॉग वन इक्वल्स टू ज़ीरो, चलिए ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस, अब ज़ीरो न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म रहे लेकिन ज़ीरो बाय कोई भी टर्म, यानी आंसर क्या होता है ज़ीरो इक्वल्स टू सी, तो देयरफॉर बताइए सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, सो देयरफॉर सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरीके से हमने जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, ध्यान से सुनिए जनरल सॉल्यूशन में जो सी नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू हमने गिवन कंडीशन का यूज़ करते हुए सॉल्व कर ली है, लास्ट में हम यही वैल्यू उठा के कहाँ रखते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर
4, यही पे हम ये वैल्यू उठा के रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो देयरफॉर पुट सी इक्वल्स टू 0, पुट सी इक्वल्स टू 0, कहाँ से आया सी इक्वल्स टू 0, हमने एक गिवन कंडीशन रख के सी की वैल्यू फाइंड की है. सो पुट सी इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4. सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज log y माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y³ इक्वल्स टू सी. सी की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, 0. एंड इसे ही क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लास्ट में लिखेंगे हम इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो इस तरीके से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. सो स्टूडेंट, ये एग्जांपल में हमने फिर से वही किया, क्या किया था, गिवन क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx तक पहुंचे थे, राइट हैंड साइड में टर्म थी, सबके डिग्री हमने चेक कर ली इक्वल है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद में हमने y बाई x इक्वल्स टू वी पुट कर दिया, यानी y इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाते हुए dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर दी, इक्वेशन 1 में पुट कर दी. पुट करने के बाद उसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक पहुँचे, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेशन करते वक्त हमने एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दी एंड उसे सेपरेट कर दिया. अब देखिए वी टू द पावर 4 अगर नीचे है 1/v⁴, तो उसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं है. तो क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में v के पावर में या x के पावर में, y के पावर में या फिर कोई भी जो वेरिएबल यूज होता है t के पावर में v टू द पावर 4 लिखा है, तो उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ऊपर. v के पावर में कोई भी टर्म अगर रही 1 से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, तो उसे हम ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन ऊपर लेकर जाते वक्त साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. फिर इंटीग्रेशन होने के बाद लास्ट में हमने v की वैल्यू वापस रख दी है, और रखने के बाद कुछ कैंसिल होता है. कैंसिल होने के बाद देखिए ये गिवन, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन. फिर हमारे प्रॉब्लम में ये वैल्यू गिवन है y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0. ये पुट करने के बाद हमें मिलती है ये c, कांस्टेंट की वैल्यू. वही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ c की वैल्यू है, हमने c की वैल्यू फाइंड करके यहाँ वापस पुट कर दी, तो c यानी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया है. तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ए इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल हैं. अभी मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं. सो असाइनमेंट, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन तक पहुँचना है. एंड ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर मिलेगा सी है. क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ सी नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला है. सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, एंड ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से. सो अब हम देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स. इस चैप्टर पे कौन से PO मैप होते हैं. सो फर्स्ट PO बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये यहाँ पे मैप होता है. एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है. सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू.